जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में मंगलवार सुबह भीषण ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा झुलस गए हैं। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। ब्लास्ट फैक्ट्री के F6 सेक्शन के बिल्डिंग नंबर 200 में हुआ। ब्लास्ट के बाद एक कर्मचारी लापता था, जिसका शव मिल गया है। वहीं एक अन्य कर्मचारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। OFK GM समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि अधिकारी अभी मीडिया से कुछ भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहाणी घायलों को देखने के लिए खमरिया स्थित अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के F6 सेक्शन में बम फिलिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद घायल कर्मचारियों को OFK अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर कर्मचारी रणधीर, श्यामलाल और चंदन को निजी अस्पताल रेफर किया गया। ब्लास्ट कैसे हुआ और किसकी लापरवाही थी, इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लगे करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसा लगा जैसे कि भूकंप आ गया हो। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मध्य प्रदेश के पूर्व CM ने OFK ब्लास्ट में मृतक और घायलों को लेकर दुख जताया है। जो जानकारी लग रही है, एक दुखद घटना फैक्ट्री में हुई है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हृदय विदारक भी है और इसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और इसमें कुछ घायल भी हैं, उनकी भी जानकारी ली जा रही है। अभी देखने के बाद और जैसा भी होगा तो आप लोगों के सामने बात। खमरिया में लगभग अभी 1 घंटे पहले पेचोरा बम का वाइल्ड आउट करते समय एक हादसा हुआ है। उसमें 2 भवन थे आसपास में, एक में मेंटेनेंस चल रहा था, जिसमें मेंटेनेंस के EE के हमारे जो अलग मेंटेनेंस वाले जो लोग थे उनको गंभीर रूप से कोई चोट नहीं है, लेकिन जो 4 लोग वहाँ काम कर रहे थे उनको बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। एक आदमी मिसिंग है अभी और 3 लोगों को यहाँ, तीनों लोग को श्यामलाल कोस्टा जी और हमारे रणधीर जी और चंदन जी को यहाँ पे भेज दिया है।